कैसे मुकेश अंबानी पूरे भारत को कंट्रोल करते हैं और कैसे पूरे बॉलीवुड के स्टार उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। बॉलीवुड स्टार्स बैकग्राउंड डांसर की तरह नाच रहे थे प्री वेडिंग में। कैसे इस प्री वेडिंग पर जो 1200 करोड़ का खर्चा है वो खर्चा कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। रिलायंस की मार्केट कैप 20 ट्रिलियन रुपीज़ है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 112 बिलियन डॉलर्स। और इसी के साथ मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। रिलायंस के अंडर में इनके पास 257 सब्सिडरी कंपनीज और 15 एसोसिएट कंपनीज हैं। आप चाहे कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, वहाँ आपको रिलायंस की कोई ना कोई कंपनी जरूर मिल जाएगी। आपके बचपन से लेकर बूढ़े होने तक आपने ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे जो आपको पता नहीं होगा कि वो रिलायंस के थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मान लो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कपड़े आजियो से आ जाएंगे। बच्चे के लिए खिलौने चाहिए, हैमिली से आ जाएंगे, वो भी रिलायंस की है। अब खाना चाहिए तो ग्रोसरी के लिए जियो मार्ट है। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसे कोई फ़ोन दिलाना है तो रिलायंस डिजिटल है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए। अब उस बच्चे को इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए जियो सिम है। वाईफाई चलाना है तो जियो का वाईफाई भी है। अब वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें जियो टीवी और जियो सिनेमा उसी के फ़ोन में मिल जाएगा उसे। अब मूवीज़ और स्पोर्ट्स से बोर हो गया तो उसके बाद म्यूज़िक सुनने के लिए जियो सावन है। अगर थिएटर में जाकर मूवी देखना चाहता है तो रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है जो मूवीज़ बनाता है। अब गाड़ी खरीदी है तो पेट्रोल डलवाने के लिए रिलायंस है। अब उस लड़के की शादी हो गई, घर में खाना बनाना है बीवी को, तो गैस पाइपलाइन रिलायंस की है। अब उसे अपनी बीवी के साथ बैठकर थोड़ी देर टीवी देखना है तो वहाँ पर भी नेटवर्क 18 चैनल्स रिलायंस के हैं। आप चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करिए, आप कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम रिलायंस के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हो और आपको पता भी नहीं होता है। आप बोल रहे होगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो बच गई, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलायंस ने इसी साल $10 बिलियन रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के लिए इन्वेस्ट किए हैं। आने वाले सालों में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी रिलायंस की आएगी। और यही नहीं, अंबानी भारत में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑन करते ही हैं, लेकिन ये लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। अब ये विदेशों में भी बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रिसेंट टाइम में काफ़ी सारी ऐसी डील्स की हैं विदेशी कंपनियों के साथ। और यहाँ तक कि जो अनंत अंबानी की अभी प्री वेडिंग चल रही है उसमें जो 1200 करोड़ लगा है वो इनका खर्चा नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोचने लगोगे कि भाई प्री वेडिंग में इन्वेस्टमेंट कैसे हो गई? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग है जिसमें प्री वेडिंग में ही सिर्फ 1200 करोड़ का खर्च कर दिया गया है और बॉलीवुड के सारे सितारों को बैकग्राउंड डांसर की तरह नचाया गया है। और अनंत अंबानी ने जो अपने हाथ में घड़ी पहनी थी उसकी ही कीमत सिर्फ 80 करोड़ रुपये है। पूरे बॉलीवुड को इन्होंने बस में भर दिया था, ऐसे स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। सिर्फ SRK और रणबीर कपूर के लिए ही रोल्स रॉयस दी गई थी। और बॉलीवुड स्टार ऐसे नाच रहे थे जैसे किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हो। रिहाना, जिसने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ट्वीट किया था, उसे भी नचा दिया अंबानी ने। बियॉन्से, जिसने इंडिया को पुअर बताया था 33 करोड़ देकर, उसे ईशा अंबानी की शादी में स्टेज पर नचाया गया था। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के सितारों के पास पैसे नहीं है या फिर उन लोगों ने पैसे के लिए नाचा है, बल्कि वो लोग अंबानी की गुड बॉक्स में आना चाहते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2005 से, जब रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट को लॉन्च किया गया था। इसने जो मूवीज बनाई शुरू में वो अच्छी नहीं चली, लेकिन फिर इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ पार्टनरशिप की और बिग बजट की मूवी बनाई जो काफ़ी अच्छी चली। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारे एक्टर्स को काम दिया, चाहे उनका करियर कैसा भी चल रहा हो, अंबानी उन्हें एक बार मौका जरूर देते, इसलिए सारे एक्टर्स उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्री वेडिंग में आए मार्क जुकरबर्ग की। तो ये इसलिए भी प्री वेडिंग में आए थे क्योंकि फेसबुक ने जियो के स्टेक्स खरीद लिए थे। एक टाइम था जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। फेसबुक को इंडिया में व्हाट्सएप के लिए UPI चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने जियो के स्टेक्स खरीद लिए थे 9.99%। ये दोनों पार्टनर्स हैं। वही मुकेश अंबानी ने बिल गेट्स की दूसरी कंपनी ब्रेक थ्रू एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए वो भी अंबानी के पार्टनर हुए। ये दोनों तो पार्टनर हैं, लेकिन डिज्नी के जो CEO आए थे प्री वेडिंग में वो तो इनके कॉम्पिटिटर हैं, वो कैसे आ गए? तो ऐसा माना जा रहा है कि डिज्नी इंडिया और जियो सिनेमा के बीच पार्टनरशिप हो सकती है, जैसा जियो म्यूजिक और सावन के बीच में हुआ था, जिसके बाद उसे जियो सावन बोला जाने लगा।
लेकिन जो 1200 करोड़ खर्च किए थे प्री वेडिंग में, उससे नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा कैसे हुआ? तो पहले मैंने आपको बताया कि कैसे इंडिया में मुकेश अंबानी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस हों या फिर बॉलीवुड। लेकिन अब ये अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, विदेशों में बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप सोचो कि अगर अंबानी को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है तो उन्हें चाहिए होंगे पार्टनर्स जो उन पर ट्रस्ट करें। उसके लिए हजारों करोड़ का खर्चा करना पड़ता है पीआर पर, लेकिन एक वेडिंग इसका सबसे अच्छा मौका हो सकता है। वेडिंग पर जो खर्चा होना ही था, लेकिन साथ में पीआर भी हो जाएगी, फ्री की मीडिया कवरेज देश में भी और विदेश में भी। इसीलिए इन्होंने अपने सारे पार्टनर्स को प्री वेडिंग में बुलवाया था। प्री वेडिंग पर 1200 करोड़ खर्च हुए हैं और आपको कुछ विदेशों के बिजनेसमैन दिखे हैं, लेकिन वेडिंग पर ये बिजनेसमैन तो आएंगे ही, लेकिन साथ में कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अंबानी को विदेशों में बिजनेस करना है तो वहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते तो बनाने ही होंगे, तो इसीलिए ये वेडिंग एक अच्छा मौका होने वाला है ऐसा करने के लिए। वैसे प्री वेडिंग पर 1200 करोड़ खर्च हुए हैं तो वेडिंग पर कितने होंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।